नमस्ते विद्यार्थियों, गुड मॉर्निंग, सभी को राम राम। एक बार पुनः मैं इतिहास अध्यापक नरेंद्र पाल सिंह सभी विद्यार्थियों का केपी कॉलेज की ऑनलाइन क्लास में हार्दिक स्वागत। आज मैं बीए तृतीय वर्ष का वो प्रकरण लेकर आपके सामने उपस्थित हुआ हूँ जिसे कई दिनों से था आपको इंतजार, अब इंतजार की घड़ियां समाप्त हो चुकी है। ये परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण प्रकरण है। परीक्षा में जेएनयू द्वारा आयोजित परीक्षा के अंदर दो प्रश्न पूछे जाते हैं, या तो राजा मान सिंह की उपलब्धियों के बारे में वर्णन करो, या अथवा में आएगा कि बीकानेर के राजा राय सिंह की उपलब्धियों के बारे में वर्णन करो। इन दोनों में से एक प्रश्न परीक्षा के अंदर जरूर आता है। तो आज हम बीकानेर के राय सिंह के बारे में विस्तार से अध्ययन करेंगे। बीकानेर के राय सिंह के बारे में पढ़ने से पहले एक ऐसा मोटिवेशन कोड है जो आपको पढ़ने के लिए मजबूर कर देगा। अगर आपको किसी ने बोल दिया है कि ये तेरे बस की बात नहीं है, तू इसको नहीं कर सकता है, आरपीएससी क्लियर करना या महाविद्यालय टॉप करना तेरे बस की बात नहीं है, विद्यार्थियों से किसी ने, रिश्तेदारों ने ताना मार दिया, तो फिर आपको वहां जाने की जरूरत नहीं है। अगर आपको डीमोटिव लोग करते हैं तो वहां जाने की जरूरत नहीं है। सुनिएगा कि जिस तट पर प्यास बुझाने से अपमान प्यास का हो, जिस तट पर प्यास बुझाने से अपमान प्यास का हो, अरे उस तट पर प्यास बुझाने से प्यासा मर जाना अच्छा है। अरे उस तट पर प्यास बुझाने से प्यासा मर जाना अच्छा है। यही तो आपका स्वाभिमान है। अगर आप वहां जाते हो, पुनः आप वहां जाते हो, तो आपके स्वाभिमान को ठेस पहुंचती है। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। जिस प्रकार महाराणा प्रताप की बात करें तो महाराणा प्रताप अपने स्वाभिमान पर अड़ेल रहे थे कि जिस तट पर प्यास बुझाने से अपमान प्यास का हो, अरे उस तट पर प्यास बुझाने से प्यासा मर जाना अच्छा है। इस तट पर प्यास बुझाने से प्यासा मर जाना अच्छा है। आइए राजा मांस, आइए बीकानेर के राय सिंह के बारे में विस्तार से अध्ययन करेंगे। सुनिएगा, बीकानेर के शासक राय सिंह है, वो बीकानेर के शासक थे। उनका टाइम पीरियड की बात करें तो उनका टाइम पीरियड 1574 से लगाकर 1612 ईस्वी तक उनका टाइम पीरियड रहता है। वो 1570 ईस्वी के अंदर नागौर दरबार में उपस्थित होकर ये बादशाह अकबर की शरण में चले जाते हैं और वहां पर रहते हुए बादशाह अकबर के सहयोग में कई उपलब्धियां हासिल करते हैं। इस समय और टाइम पीरियड के दौरान वो दो मुगल बादशाहों की सेवा में रहते हैं। वो एक बादशाह अकबर के समय में राय सिंह को 4000 की मनसबदार प्राप्त थे और उसके बेटे जहांगीर जब शासक बने 1605 ईस्वी में, उस समय जहांगीर ने उसकी 1000 की मनसबदारी और बढ़ा दी, 5000 की मनसबदारी उनको प्राप्त थी। राय सिंह कहां कहां पर अपना विजय अभियान चलाया था और बादशाह के अकबर के शासनकाल में रहते हुए कौन सी उपलब्धियां ग्रहण की थी? क्या राय सिंह स्वयं विद्वान था, विद्वानों का आशीर्वादाता था? क्या उसके दरबार में अलग अलग देशों के विद्वान विराजते थे? कौन कौन से विद्वान रहते थे और उस विद्वानों ने कौन कौन से ग्रंथ लिखे राय सिंह के दरबार में? राय सिंह ने कौन सा दुर्ग बनाया, उस दुर्ग की कौन सी विशेषता थी और यह दुर्ग किस मंत्री की देखरेख में बनाया गया था? राय सिंह ने कौन कहां कहां पर अपना विजय अभियान चलाया था? ऐसा कहा जाता है कि राजा राय सिंह ने दक्षिण भारत पर अभियान के लिए भी भेजा गया था और जब वो दक्षिण भारत के अभियान के लिए जाते हैं तो उनको एक पौधा दिखाई देता है और वो पौधा कौन सा होता है और उस पौधे को देखकर इस पौधे से को क्या संबोधित करते हैं राय सिंह, सुनिएगा कि तू स्वदेशी रुकड़ा में परदेशी लोग, तू स्वदेशी रुकड़ा में परदेशी लोग, माने तो अकबर तेड़िया और तू क्यों आयो फोक। इस फोक को पौधे को देखकर कहता है कि मने मुझे तो यहाँ अकबर के द्वारा भेजा गया है और तू यहाँ कैसे आया है, क्योंकि फोक का पौधा होता है वो रेगिस्तान के अंदर पाया जाता है लेकिन दक्षिण भारत के अभियान के लिए। अंतिम रूप से अगर हम बात करें तो
तो बात है टाइम पीरियड 1612 ईस्वी के अंतर्गत बुरहानपुर नामक स्थान दक्षिण भारत के अंदर राय सिंह की मौत हुई थी। ये प्रश्न कंपिटिशन एग्जाम में कई बार पूछा जाता है कि राय सिंह की मृत्यु कहाँ हुई थी, बुरहानपुर में, ये मध्य प्रदेश के अंतर्गत है। आइए इसके एक एक बिंदु पर हम बात करेंगे, इसके लिए आपको अंतिम समय तक इस वीडियो में बना रहना पड़ेगा। चलिएगा, राजा बीकानेर के राय सिंह का जो टाइम पीरियड है, टाइम पीरियड की बात करें 1574 ईस्वी से लगाकर 1612 ईस्वी तक का जो टाइम पीरियड है वो बीकानेर के राव राय सिंह का रहता है। बात करें बीकानेर के राव राय सिंह के पिता की, तो उनके पिता का नाम था कल्याणमल। क्या था? कल्याणमल। कल्याणमल उसके पिता का नाम था। ये ध्यान रखना कि राय सिंह किसके बेटे थे, तो वे कल्याणमल के बेटे थे। कल्याणमल, ध्यान रखना। कल्याणमल के दो बेटे थे। दो बात इतिहास में प्रसिद्ध है कि राव देखो जो कल्याणमल बीकानेर के शासक थे, एक दिन क्या हुआ, बादशाह के अकबर की बात करें तो एक दिन टाइम पीरियड है 1570 के अंदर, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है ध्यान रखना, नागौर दरबार। कहाँ है? नागौर दरबार, दरबार है। नागौर दरबार कब लगा था? नागौर दरबार, नागौर दरबार बादशाह अकबर के द्वारा लगाया गया था। उस दिन उसमें राजस्थान के कई बड़े बड़े राजा वहां पर अपनी उपस्थिति दर्ज करवाई थी, उपस्थित हुए थे। तो उसमें बीकानेर के जो शासक कल्याणमल उस नागौर दरबार में जाते अपने दो पुत्रों को लेकर। आइए, उसके दो पुत्र कल्याणमल के कौन से थे? पुत्र, दो पुत्रों को लेकर जाते हैं, दो पुत्रों को। एक पुत्र का नाम था राय सिंह। क्या नाम था? राय सिंह। और दूसरे पुत्र का नाम था पृथ्वीराज राठौड़। पृथ्वीराज राठौड़ बड़ा कवि आदमी था, पृथ्वीराज राठौड़। दोनों को लेकर इस नागौर दरबार में उपस्थित होता है और बादशाह अकबर की अधीनता स्वीकार करता है, मैं आपके अधीन है। और उसके दोनों बच्चों को बादशाह अकबर के साथ में आगरा भेजता है, उसकी राजधानी कहां पर? देखो, मुगल अपना शासन दो जगहों से संचालित करते थे मुगल, एक दिल्ली से, दूसरा आगरा का। ध्यान रखियो, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। राय सिंह और पृथ्वीराज राठौड़, ये कवि था जिन्हें बेली रुक्मणी यानी जो एक ग्रंथ लिखा था, तो ये अपन चर्चा करेंगे, इसके बारे में भी चलेगा। जैसे ही एक दिन क्या होता है, 1574 ईस्वी में कल्याणमल की मौत हो जाती है। तो कल्याणमल की मौत हो जाने के बाद में वो राजा बनता है। कल्याणमल की मौत कब हुई? 1574 गए, उसका राजा कब बनता है? राय सिंह राजा कब बना? कई बार प्रश्न आया है। 1574 ईस्वी को, 1574 ईस्वी को कल्याणमल की मृत्यु हो जाने के बाद राय सिंह है वो बीकानेर का शासक बनता है। कब बनता है? बीकानेर। ये बादशाह अकबर की शरण में 1570 में गया था और उनकी योग्यता, ये बड़ा कुशल प्रशासक था, युद्ध कला में निपुण था, अस्त्र शस्त्र चलाना बहुत अधिक आता था, जिसके कारण बादशाह अकबर राय सिंह के ऊपर बहुत अधिक प्रसन्न थे। और प्रसन्न होते हुए उनको 1572 में जोधपुर का प्रशासक नियुक्त करता है। राय सिंह को जोधपुर का प्रशासक कब नियुक्त किया, या कई बार ये प्रश्न आता है, 1572 के अंदर कंपिटिशन में आया था। और उस समय जोधपुर के जो शासक हुआ करते थे राव चंद्रसेन के समय उसे जोधपुर का प्रशासक नियुक्त किया गया था। किसको? राय सिंह को। तो ये भी ध्यान रखियो, बहुत इंपॉर्टेंट, ये भी मायने रखता है। राय सिंह है 1570 में अकबर की सेवा में गए थे, ये ध्यान रखना है। 1570 के अंतर्गत राय सिंह है वो बादशाह अकबर की सेवा में गए थे। बीकानेर के जितने भी शासक थे वो अपने आप को, अपनी उनकी उपाधि थी वो राव की उपाधि थी। कौन सी उपाधि लगाते थे? राव। जैसे ही राय सिंह राजा बनते हैं तो राव की उपाधि नहीं लगाते राजा, तो कौन सी उपाधि लगाते? आइए सुनिएगा। बीकानेर के शासक राय सिंह एक ऐसे शासक थे जिन्होंने महाराजा और महाराजाधिराज की उपाधि स्वयं ग्रहण की थी। बीकानेर का ऐसा कौन सा शासक था जिसने महाराजा और महाराजाधिराज की उपाधि स्वयं ग्रहण की थी, ये ध्यान रखना। तो बीकानेर के शासक राय सिंह ने, ये ध्यान रखियो, राय सिंह की अपन बात करते हैं तो राय सिंह ने महाराजा
महाराजा और महाराजाधिराज की उपाधि ग्रहण की थी। ध्यान रखियो, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी प्रश्न कंपिटिशन एग्जाम में कई बार पूछा जाता है। इससे पूर्व जितने भी राजा हुए वो क्या लगाते थे? राव लगाते थे। क्या लगाते थे? राव। ये ध्यान रखना है आपको, बहुत सारी मोटी मोटी बातें हैं, इसको याद रखने की जरूरत है। कुछ उसके भाई के बारे में बात करें तो पृथ्वीराज राठौड़ हैं, ये भी राय सिंह के साथ में बादशाह अकबर के दरबार में गए थे। तो वो बादशाह अकबर के दरबार में एक क्या थे? कवि थे। क्या थे? कवि थे। वो पीतल नाम से साहित्य की रचना करते थे। पृथ्वीराज राठौड़ हैं, वो पीतल नाम से साहित्य की रचना करते थे। ध्यान रखना है कौन सी, किस नाम से साहित्य की रचना करते थे? वो पीतल नाम से साहित्य की। बादशाह अकबर ने उसको गागरोन का दुर्ग जागीरी के रूप में दिया था। पृथ्वीराज राठौड़ को बादशाह अकबर ने गागरोन का जो दुर्ग है वो एक जागीरी के रूप में दिया था। चलिएगा, कौन सा दुर्ग? गागरोन का दुर्ग। गागरोन का दुर्ग है, ये जल दुर्ग है, और इस दुर्ग को बादशाह अकबर ने पृथ्वीराज राठौड़ को एक जागीरी के रूप में दिया था। किस में दिया? जागीर के रूप में दिया था। ध्यान रखना है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। बादशाह अकबर के दरबार में रहते हुए पृथ्वीराज राठौड़ ने एक ग्रंथ लिखा था, बैली कृष्ण रुक्मणी की वशनिका। बहुत इंपॉर्टेंट है, बैली कृष्ण रुक्मणी की वशनिका नामक साहित्य ग्रंथ किसने लिखा था? पृथ्वीराज राठौड़ के द्वारा लिखा गया था। जो उसका जो टाइम पीरियड था उस समय 1580 ईस्वी में। कब? ध्यान रखना, बैली रुक्मणी ये ग्रंथ है तो ये 1580 में लिखा गया था। उसे पांचवा वेद कहता है। क्या कहते हैं? यहां पर पांचवा वेद, ध्यान रखियो। बैली, तो देखो इसमें क्या तो है, बैली कृष्ण रुक्मणी की वशनिका। बैली कृष्ण रुक्मणी की वचनिका नामक ग्रंथ किसने? पृथ्वीराज चौहान ने इस ग्रंथ को पांचवा वेद और पांचवा वेद कहा जाता है और 19वां पुराण कहा जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट, 19वां पुराण उसको कहा जाता है, तो ये ध्यान रखना है। उसको गागरोन का दुर्ग जागीरी के रूप में दिया था उसके बेटे पृथ्वीराज राठौड़ को। चलिएगा अगले बिंदु की ओर बढ़ते हैं कि राय सिंह को एक उपाधि से नवाजा गया था, राजपूताना का कर्ण। राजपूताना का कर्ण कहा जाता है, राजपूताना का कर्ण। ऐसा कौन सा शासक था जिसे राजपूताना का कर्ण कहा जाता? बीकानेर के शासक राय सिंह। बड़ा दानशील प्रवृत्ति का व्यक्ति था, बड़ा उद्दार व्यक्ति था। एक दिन क्या हुआ कि राय सिंह के शासनकाल के अंतर्गत, किसके शासनकाल में? राय सिंह जब बीकानेर के शासक थे उस समय बीकानेर में पड़ा अकाल। क्या पड़ा? बीकानेर में उसके शासनकाल में पड़ता है अकाल। इस अकाल से लोगों की सुरक्षा के लिए उन्होंने कहीं पर उन्होंने पशुओं के लिए सारा की व्यवस्था की। उन्होंने सद्रावत की स्थापना की। उसने क्या बनाए थे? दरों की रक्षा करने के लिए उन्होंने दानशीलता और सद्रावत खोले थे। ध्यान रखना है, गरीबों की अकाल पड़ा तो पशुओं के लिए सारा की व्यवस्था की थी और लोगों के लिए सद्रावत खोले थे। किसने? बीकानेर के शासक राय सिंह। इसलिए उसको राजपूताना का कर्ण कहा जाता है। और राजपूताना का कर्ण कहने वाले जो एक कवि थे जिसका नाम मुंशी देवी प्रसाद ने उसको राजपूताना का कर्ण कहा था। बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार ये परीक्षा के अंदर आया है। बीएड एसटीसी का एग्जाम होता है पटवारी ग्राम सेवक में, इसमें पूछा गया है कि राजपूताना का कर्ण राय सिंह को किसने कहा था? मुंशी देवी प्रसाद ने। और कलयुग का कर्ण राजस्थान के अंदर किसे कहा जाता है? कलयुग का कर्ण राजस्थान में किसे कहा जाता है? लूणकरण को कलयुग का कर्ण कहा गया है राजस्थान के अंदर। तो ये भी ध्यान रखियो, तो बहुत इंपॉर्टेंट है।
हम सीधा आपको नागौर दरबार से जोड़ने का प्रयास करेंगे। चलिएगा, हमने अगला बिंदु पढ़ा दिया है। ये देखो, बीकानेर को राजपूताना का कर्ण, मुंशी देवी प्रसाद ने कहा कलयुग का कर्ण किसे कहा जाता है, लोहन कर्ण को कहा जाता है। चलिएगा, नागौर दरबार क्या था? नागौर दरबार बहुत इंपॉर्टेंट है। नागौर दरबार, दरबार एक दिन 1570 ईस्वी के अंतर्गत बादशाह अकबर ने नागौर में एक नागौर दरबार लगाया। नागौर में एक नागौर दरबार लगाया था 1570 ईस्वी के अंतर्गत। नागौर दरबार, दरबार इस दरबार के अंदर राजस्थान के कई बड़े बड़े राजा महाराजा यहां उपस्थित हुए थे। केवल मेवाड़ के शासक महाराणा प्रताप को छोड़कर, ध्यान रखियो, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है दरबार के अंदर। इसमें यहाँ पर बीकानेर से जो अपने इस दरबार के अंदर गए थे कल्याणमल, और कल्याणमल अपने दो पुत्रों को लेकर जाता है, एक तो राय सिंह को लेकर जाता है और दूसरे पुत्र का नाम था पृथ्वीराज राठौर। पृथ्वीराज राठौर ये दोनों अकबर की, कल्याणमल अकबर की अधीनता स्वीकार करता है और दोनों पुत्रों को कहाँ भेजता है, अकबर की शरण में आगरा भेजता है। कहाँ भेजता है, और जब भेजा था तब उसका टाइम पीरियड 1570 ईस्वी का था, ध्यान रखियो। इस दरबार के अंदर मारवाड़ से राव चंद्रसेन भी गए थे, लेकिन राव चंद्रसेन बीच राह के अंदर इस दरबार को छोड़कर चले आए थे, जिसके कारण बादशाह अकबर है मारवाड़ के राव चंद्रसेन से बड़ा नाराज था। राव चंद्रसेन से बड़ा नाराज था कि वो मेरे इस दरबार को बीच राह के अंदर छोड़कर आया गया। तो इसका बदला लेने के लिए उन्होंने राय सिंह को राव चंद्रसेन के विरुद्ध भेजा था। ध्यान रखना, अगर एक भाई दूसरे भाई का साथ देता तो आज विदेशी ताकत हमारे ऊपर इतनी हावी नहीं होती। चलेगा, तो यह है नागौर दरबार कब लगा था, 1570 में किसने लगाया था, बादशाह अकबर के द्वारा लगाया। राय सिंह ने दो मुगल बादशाहों का शासनकाल देखा था। कितने? दो। कितने मुगल बादशाहों का शासनकाल देखा था राय सिंह ने? दो। ये ध्यान रखना है, राय सिंह ने अपने शासनकाल में दो मुगल बादशाहों का शासनकाल देखा था। एक बादशाह अकबर, अकबर ने राय सिंह को 4000 का मनसबदार नियुक्त किया था। ध्यान रखना, बादशाह अकबर के समय राय सिंह को कितनी मनसबदार का पद दिया गया, 4000 मनसबदार का पद दिया गया था। इसके बाद 1605 ईस्वी में उसका बेटा शासक बनता है, जहांगीर। क्या नाम है? जहांगीर। लिखने में थोड़ी त्रुटियां हो तो आप उसको सुधार। जहांगीर के समय में राय सिंह को 5000 का मनसबदार दिया गया था। बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां से प्रश्न परीक्षा में बनता है। दो नंबर में आए कि बादशाह अकबर के समय में राय सिंह को कितना मनसबदार का पद दिया गया, 4000, और जहांगीर के समय में 5000 का दिया गया था। तो ये ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, ध्यान रखना। चलिएगा हम अगले बिंदु की और, बादशाह अकबर हैं। अकबर ने राय सिंह को 1572 ईस्वी के अंतर्गत जोधपुर का प्रशासन नियुक्त करता है। जोधपुर का क्या? तो उस समय जोधपुर के जो शासक थे जिसका नाम था राव चंद्रसेन, ध्यान रखना, जोधपुर का पता, ये परीक्षा में कई बार आया है कि राय सिंह को जोधपुर का प्रशासक कब नियुक्त किया गया था, 1572 ईस्वी के अंतर्गत उसको जोधपुर का प्रशासक नियुक्त किया गया था। कल्याणमल की मौत 25 सितंबर 1574 ईस्वी को कल्याणमल की मौत हुई। इसके बाद में वो क्या बनता है? बीकानेर का शासक बनता है। क्या बनता है? बीकानेर का शासक। राय सिंह बीकानेर का शासक कब बना? 25 सितंबर 1574 को उसके पिता कल्याणमल की मौत हो जाने के बाद 1574 में वो बीकानेर का के अंदर राजा बनता है। उसका राज्यारोहण होता है, राज सिंहासन पर बैठता है। ये भी आप इसको याद कीजिएगा, ये भी बहुत अच्छा प्रश्न है। बादशाह अकबर के साथ में रहते हुए कौन कौन से अभियान में बादशाह अकबर के वो साथ में जाता है और विद्रोहों का दमन करता है, और किस प्रकार बादशाह अकबर की सेवा में रहते हुए कौन कौन से राज्यों पर अटैक करता है और कैसे अपनी विजय करता है, उस समय उनका टाइम पीरियड कैसा था, आइए इसके बारे में भी अपन अध्ययन करेंगे। चलिए, बादशाह अकबर और राय सिंह, अकबर व राय सिंह,
राय सिंह, इन दोनों मिलकर किन किन राज्यों पर अपना अभियान चलाते हैं? पहला अगर हम बात करें जोधपुर के प्रशासक के रूप में, जोधपुर पर जब कैसे अधिपति करने, देखो जोधपुर पर राव चंद्रसेन का शासक था। राव चंद्रसेन एक ऐसा शासक था जो बादशाह अकबर की अधीनता स्वीकार करने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं था। उसने कहा था कि मैं उनकी अधीनता स्वीकार नहीं करूंगा। तो बादशाह अकबर राव चंद्रसेन को अपने अधीन लाना चाहते थे। इसको महाराणा प्रताप का अग्रगामी भी कहा जाता है और भूला बिसरा राजा भी कहा जाता है राव चंद्रसेन को। तो राव चंद्रसेन के ऊपर अभियान 1572 ईस्वी के अंतर्गत चलाया जाता है। उस समय राय सिंह भी बादशाह अकबर राय सिंह को भेजता है। ध्यान रखियो 1572 में जोधपुर के प्रशासक के रूप में उन्होंने अपनी भूमिका निभाई थी। दूसरी अगर हम बात करें तो इसके बाद में गुजरात पर मिर्जा बंधुओं का शासन था। किसका था? मिर्जा बंधुओं का शासन। तो गुजरात पर अटैक किया था 1573 ईस्वी के अंतर्गत। उस समय जो गुजरात के पर मिर्जा बंधुओं का शासन था, उन्होंने मिर्जा बंधुओं का दमन किया। इब्राहिम मिर्जा वगैरह जो शासन करते थे, हुसैन मिर्जा, उसका दमन किया था 1573 ईस्वी के बाद। गुजरात के बाद में वो सीधा सिवाना पर अटैक करते हैं। सिवाना, क्योंकि जोधपुर से राव चंद्रसेन सिवाना चले गए थे और सिवाना पर अधिकार किया था 1574 ईस्वी में। ध्यान रखियो कि राय सिंह ने सिवाना पर अटैक किया था 1574 ईस्वी में। सिवाना है वो मारवाड़ राज्यों की शरण स्थली है। क्या है ये? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि मारवाड़ राज्य की शरण स्थली कौन सी है? सिवाना दुर्ग। जब जब मारवाड़ राजाओं के लिए संकट उत्पन्न होता है तो यहाँ जो जितने भी राजा होते हैं मारवाड़ के, जो सिवाना चले जाते हैं, उनकी शरण स्थली है। और मेवाड़ वालों के लिए जब संकट उत्पन्न होता है तो वो कुमलगढ़ दुर्ग के अंतर्गत शरण लेते हैं और कुमलगढ़ राजसमंद दुर्ग के अंतर्गत है। और यही हमारा जो सिवाना है ये बाड़मेर जिले के अंदर है। याद रखिएगा मेवाड़ वालों की शरण स्थली कहाँ पर है? कुमलगढ़। और मारवाड़ वालों की शरण स्थली का है सिवाना। सिवाना दुर्ग को जालोर की कुंजी कहा जाता है। तो यह भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान रखियो। इसके बाद में हम बात करें तो 1575 ईस्वी की बात है। 1575 ईस्वी के अंतर्गत सिरोही के एक शासक हुआ करते थे। सिरोही के शासक जिसका नाम था देवड़ा सुल्तान। क्या नाम था? देवड़ा राजपूत थे। यह भी चौहानों की एक शाखा हुआ करती है। देवड़ा शासक थे जिसका नाम था सुल्तान। क्या नाम था? सुल्तान। ये सुल्तान बहुत शक्तिशाली शासक था। कई बार अकबर ने उसको समझाने का प्रयास भी किया कि भाई मान जा, लेकिन ये मानने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं था। तो राय सिंह को बुलाया गया और राय सिंह से कहा कि इसके ऊपर अटैक करो, आक्रमण करो, किसी प्रकार से समझा बुझा कर लाओ। तो उन्होंने 1575 ईस्वी की बात है उसमें देवड़ा सुल्तान पर भी अपना अधिकार किया। और उसी देवड़ाओं के साथ में एक युद्ध हुआ था, इतिहास में प्रसिद्ध है, वो है दत्तानी का युद्ध। चलो 1583 के अंदर मुगलों और देवड़ाओं के मध्य एक युद्ध हुआ था जिसको इतिहास में दत्तानी का युद्ध कहते हैं। क्या कहते हैं? दत्तानी का युद्ध। बहुत इंपॉर्टेंट है, कंपिटिशन एग्जाम में इसे कई बार पूछा गया। दत्तानी का युद्ध कब हुआ था? 1583 में। ध्यान रखियो बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। चलिएगा इसके बाद में हम सीधा आपको एक दिन क्या हुआ, इतनी सारी विजयों से बादशाह अकबर बड़ा प्रसन्न था राय सिंह से। राय सिंह से कहा कि तुम्हारी जो विजय अभियान से मैं बड़ा प्रसन्न हूं, तुम ऐसे करो अब तू दक्षिण भारत के अभियान के लिए चले जाओ। राय सिंह ने कहा कोई बात नहीं, मैं दक्षिण अभियान विजय के लिए जाने के लिए तैयार हूं। जैसे ही राय सिंह दक्षिण भारत के विजय अभियान के लिए जाता है और जब भी जाता है तब उसको एक पौधा दिखाई देता है जिसका नाम है फोक का पौधा दिखाई दिया। ये फोक का पौधा है ज्यादातर राजस्थान के रेगिस्तान में पाया जाता है, रेगिस्तान में पाया जाता था। फोक को देखकर ही एक बार तो राय सिंह को बहुत प्रशंसा हुई कि क्यों हमारे यहाँ पर पौधा, उसको दक्षिण भारत में देखा और फोक के पौधे को देखकर बड़ा, मतलब वो एक शब्द उसको संबोधित करता है और क्या कहता है, तू स्वदेशी रुकड़ा में परदेशी लोग, माने तो अकबर तेड़िया तू क्यों आयो फोक। इस पौधे को देखकर वे कहते हैं, राय सिंह अकबर के शासनकाल में रहते हुए
काबुल के अभियान पर कब भेजा गया था? राय सिंह काबुल के अभियान पर गए थे 1581 ईस्वी में। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी याद कीजिएगा, कंपिटिशन एग्जाम में अपनी भूमिका निभाएगा। 1581 में काबुल के अभियान के लिए जिसको भेजा गया था, काबुल पर अभियान 1581 ईस्वी। इसके बाद में हम बात करें कंधार, कहाँ चलेंगे? कंधार, कंधार पर विजय अभियान की बात करें 1595 ईस्वी को वो कंधार के विजय अभियान के लिए भेजा। ये बहुत सारी विजय अभियान थी, मैंने कई प्रकार से सारे टाइम पीरियड लिखे हुए हैं, इसको आप अच्छी तरह से याद कीजिएगा। चलो टाइम पीरियड, जोधपुर का प्रशासक कब रहा? 1572 में। गुजरात का प्रशासक कब रहा? 1573 में। शिवाना पर अटैक कब किया? 1574 में, ये ध्यान रखना। सिरोही के शासक देवड़ा सुल्तान पर आक्रमण 1500, एक एक साल का सभी के बीच में अंतर रहा है। दत्तानी का युग कब हुआ? 1583 में, मुगलों और देवड़ा शासकों के मध्य। देवड़ा एक चौहानों स्वान वंश की एक शाखा हुआ करती थी, क्या होती थी जो सिरोही के अंदर राज किया करते थे, और उनकी कुल देवी की बात करें तो माँ आशापुरा माता उनकी कुल देवी हुआ करती है, तो ध्यान रखियो। और उसमें काबुल अभियान पर भेजा गया था 1581 में, और 1595 में कंधार अभियान पे चलेगा। अगर हम दूसरी अगर बात करें तो राय सिंह के काल में कौन सी कला का विकास हुआ? राय सिंह के काल में कौन सी कला का विकास हुआ? आइए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये राय सिंह और कला। राय सिंह, बीकानेर के शासक राय सिंह व कला, बीकानेर के शासक राय सिंह और कला। बीकानेर के जो शासक राय सिंह थे वो सबसे पहले राजस्थान के अंदर एक कला लेकर आए थे जिसका नाम है उस्ता कला। क्या नाम थे? उस्ता कला। उस्ता कला सर्वप्रथम किस शासक के द्वारा राजस्थान के अंदर लाई गई थी? वो राय सिंह के। जिसमें क्या होता है, ऊंटों के जो ऊंटे ऊंट होते हैं उसके शरीर पर बहुत सारी डिजाइन बनाई जाती है, वो उस्ता कला उसको कहा जाता है। ऊंटों के शरीर पर जो उखेरे जाते हैं, नए नए चित्रकला वगैरह की जाती है, उसको उस्ता कला। और उस्ता कला को सर्वप्रथम राजस्थान में लाने का जो श्रेय दिया जाता है वो राय सिंह को दिया जाता है। राय सिंह के शासनकाल में बीकानेर चित्रकला शैली का विकास हुआ। कौन सी? बीकानेर, बीकानेर चित्रकला शैली का विकास, चित्रकला शैली का विकास किसके शासनकाल में हुआ? वो हुआ राय सिंह के शासनकाल में। किस शासक के शासनकाल को बीकानेर चित्रकला शैली का स्वर्णिम काल कहा जाता है? स्वर्ण काल। किस शासन काल, किस शासक के काल को बीकानेर चित्रकला शैली का स्वर्ण काल कहा जाता है? कई बार यह प्रश्न आया है, अनूप सिंह। अनूप सिंह के शासनकाल को बीकानेर चित्रकला शैली का स्वर्ण काल कहा जाता है, इसको भी आप अच्छी तरह से याद कीजिएगा। राय सिंह थे, बड़ा विद्वान था, अच्छा साहित्यकार भी था। उसके दरबार में बहुत सारे विद्वान और साहित्यकार रहते थे, उनके दरबार की शोभा बढ़ती थी इन साहित्यकारों को लेकर। आइए उनके दरबार के कुछ इंपॉर्टेंट कौन से साहित्य लिखे गए जो परीक्षा में पूछे जाते हैं, तो आइए राय सिंह द्वारा रचित ग्रंथ, उनके दो ग्रंथों की अगर हम बात करें तो उनके द्वारा जो रचित ग्रंथ है, एक राय सिंह महोत्सव, राय सिंह महोत्सव, महोत्सव, राय सिंह महोत्सव ग्रंथ, और दूसरे अगर उनके ग्रंथ की अगर हम बात करें तो वह बाल बोधिनी। क्या है? बाल बोधिनी, बोधिनी ग्रंथ, ये ध्यान रखना है। दो ग्रंथ उनके बहुत इंपॉर्टेंट है कि राय सिंह महोत्सव किसके ग्रंथ हैं, वो राय सिंह के हैं। बाल बोधिनी नामक ग्रंथ किसके शासनकाल में लिखा गया था? राय सिंह के शासनकाल में। ये रत्नाकर और रत्न मंजिता, ये जो ग्रंथ हैं इसके ऊपर टीका लिखी गई थी। क्या लिखी गई थी? टीका। टीका का मतलब होता है टिप्पणी। क्या होता है? टिप्पणी, ध्यान रखना, किसी के ऊपर टिप्पणी की गई थी। ये बाल बोधिनी ग्रंथ है, ध्यान रखना। राय सिंह के शासनकाल में लिखे गए दो ग्रंथों के नाम लिखो। अगर आपका प्रश्न परीक्षा में दो नंबर का आता है तो आप सीधा बिना सोचे समझे सीधा लिखेंगे बाल बोधिनी, राय सिंह महाउत्सव, ध्यान रखियो। चलिएगा अगले बिंदु की ओर हम बढ़ते हैं।
तो हमारा जो अगला बिंदु है रहेगा, राजा राय सिंह ने कौन सा दुर्ग बनाया था? आइए इस दुर्ग के बारे में थोड़ी चर्चा करते हैं। दुर्ग, राय सिंह ने कौन सा दुर्ग बनाया? राय सिंह और दुर्ग, राय सिंह व दुर्ग। राय सिंह ने एक दुर्ग बनाया जिसे इतिहास में जूनागढ़ का दुर्ग कहते हैं। जूनागढ़ का दुर्ग, ये जूनागढ़ गुजरात में ही है, ये गुजरात में, गुजरात वाला नहीं है, ये बीकानेर वाला है, ध्यान रखना है। जूनागढ़ दुर्ग का जो निर्माण है वो किसने करवाया था? तो वो राय सिंह के द्वारा करवाया गया था। ये जूनागढ़ दुर्ग का जो निर्माण है, राय सिंह ने अपने एक विश्वास पात्र मंत्री थे जिसका नाम है करमचंद, बड़ा करमचंद जो विश्वास पात्र मंत्री था, उसके ऊपर बहुत अधिक विश्वास करते थे। उनकी देखरेख में उसका जो टाइम पीरियड की बात करें, ये दुर्ग बना उसमें उसका जो टाइम पीरियड कितना था, 1585 ईस्वी से लगाकर 1594 ईस्वी के अंतर्गत ये जूनागढ़ का दुर्ग बना था। और किसकी देखरेख में बना, ये प्रश्न कई बार पूछा गया है, करमचंद की देखरेख में बना था 1585 से लगाकर 1594 ईस्वी में। इस दुर्ग के अन्य उपनाम भी हैं। इसका उपनाम की अगर हम बात करें तो उपनाम है, एक तो है बीकानेर दुर्ग। जूनागढ़ दुर्ग का उपनाम की बात करें तो एक नाम है बीकानेर दुर्ग। जूनागढ़ दुर्ग को बीकानेर दुर्ग भी कहा जाता है, उसको जमीन का जेवर भी कहा जाता है, ध्यान रखना। किस दुर्ग को जमीन का जेवर कहा जाता है? जमीन का जेवर, जमीन का जेवर किस दुर्ग को कहा जाता है? ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी। तो वो किसको, जूनागढ़ दुर्ग को कहा जाता है और बीकानेर का दुर्ग भी इसको कहा जाता है, फोर्ट किला चलेगा। ये एक ऐसा दुर्ग था जिसको धान्वन्य दुर्ग कहते हैं। कौन सा दुर्ग है? धान्वन्य श्रेणी का दुर्ग है। धान्वन्य बहुत सारी श्रेणियों के दुर्ग होते हैं, धान्वन्य श्रेणी का दुर्ग है। ये कैसा दुर्ग, अगर आपका प्रश्न आ जाए कि जो बीकानेर का जो दुर्ग है वो कौन सी श्रेणी के दुर्ग के अंतर्गत आता है, तो आप बिना सोचे समझे सीधा इसका उत्तर लिखेंगे, धान्वन्य दुर्ग की श्रेणी में बीकानेर दुर्ग को रखा गया है। बीकानेर, जब भी जैसे ही आप दुर्ग देखने जाते हैं तो उसकी मुख्य जो द्वार होता है उसको क्या बोलते हैं? सभी दुर्गों के मुख्य द्वार अलग अलग होते हैं, तो बीकानेर दुर्ग का जो मुख्य द्वार था जो था सूरज पोल। मुख्य द्वार बीकानेर दुर्ग का मुख्य द्वार कौन सा है? हर किसी दुर्ग के द्वार होते हैं जिसका नाम है सूरज पोल। सूरज निकला है, सूरज पोल, सूरज पोल, ये ध्यान रखना है। सूरज पोल है वो बीकानेर दुर्ग का क्या है? मुख्य द्वार है। ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट भी ये भी सवाल है, धन्यवाद। सूरज पोल, इसी सूरज पोल जैसे ही बीकानेर दुर्ग में आप एंट्री करोगे तो सूरज पोल दिखाई देगी। इस सूरज पोल के दाएं और बाएं तरफ दो सरदारों की मूर्तियां लिखी लगी हुई है, एक का नाम है मेड़तिया, मेड़तिया राठौड़ थे, मेड़तिया सरदार, जिसका नाम है मेड़तिया सरदार जैमल, जैमल जैमल और फत्ता सिसोदिया, फत्ता सिसोदिया, सिसोदिया। बीकानेर दुर्ग के मुख्य द्वार पर दो राजपूत शासकों की मूर्तियां, गजारूढ़ मूर्तियां लगी हुई है, हाथी के ऊपर बैठी हुई मूर्तियां लगी हुई है। एक तो था मेड़तिया का शासक जैमल, मेड़तिया राठौड़ जैमल, और फत्ता सिसोदिया की मूर्तियां, गजारूढ़ मूर्तियां बीकानेर दुर्ग के अंतर्गत लिखी। इस पर क्या कहानी है, थोड़ा पूर्व के अंदर चले अपन बात करेंगे। मैं 1567 की बात करता हूँ, किसकी बात करो, 1567 और 68 के अंतर्गत बादशाह एक विशाल सेना लेकर अटैक करता है मेवाड़ पर। उस समय जो मेवाड़ के शासक थे वो महाराणा उदय सिंह थे। महाराणा उदय सिंह इन बादशाह अकबर की बहुत बड़ी सेना देकर घबरा जाते हैं और युद्ध स्थली को छोड़कर चले जाते हैं। तो उस समय उदय सिंह के दो सेनापति जिसके ऊपर उन्होंने युद्ध की कमान दी थी, जिसका नाम है मेड़तिया राठौड़ जैमल और फत्ता सिसोदिया। फत्ता सिसोदिया, मेड़तिया राठौड़ दोनों
केसरिया बाना धारण करते हैं। दुर्ग के अंदर कहीं महिला 1567-68 में, ये मेवाड़ का दूसरा शाखा था, ये ध्यान रखना 1567-68 में ये मेवाड़ का दूसरा शाखा था, ध्यान रखना। पहला शाखा रानी पद्मावती के नेतृत्व में हुआ था और ये दूसरा शाखा था, ध्यान रखना है। तो दूसरा शाखा कब हुआ? 1767-68 में। तो उस समय ये मेड़तिया जैमल और फत्ता सिसोदिया केसरिया बाना धारण करते हैं और युद्ध भूमि में लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हो जाते हैं। इसके बाद में राजा भगवंत सिंह और मान सिंह के कहने से बादशाह अकबर चित्तौड़ के अंदर भयंकर नहसवार करवाता है, कत्लेआम करवाता है। इसके बाद में बादशाह अकबर का हृदय परिवर्तन हो जाता है और हृदय परिवर्तन होने के बाद में वो दो योद्धाओं की मूर्ति आगरा के अंदर स्थापित करता है और आगरा में स्थापित करवाई दी। लेकिन कालांतर में औरंगजेब बड़ा कट्टर व्यक्ति था, कट्टर मुगल शासक था, तो उसने क्या कर दिया, इन दोनों की मूर्तियों को तुड़वा दिया था। किसके? मेड़तिया जैमल और फत्ता सिसोदिया की, आगरा में जो मूर्तियां लगी हुई उसको तुड़वा दिया। लेकिन जूनागढ़ दुर्ग के अंतर्गत आज भी जैमल मेड़तिया और फत्ता सिसोदिया की मूर्ति लगी हुई है जो बादशाह अकबर के द्वारा लगाई गई थी। तो इसको आप अच्छी तरह से याद कीजिएगा, जैमल मेड़तिया। इसके मुख्य द्वार पर जूनागढ़ प्रस्तुति लगी हुई है। देखो जूनागढ़, इसके जो मुख्य द्वार है जिसमें जूनागढ़ प्रस्तुति भी लगी हुई है। जूनागढ़ प्रस्तुति क्या होती है कि राजा की प्रशंसा में किए गए जो शब्द होते हैं वो प्रस्तुति, राजा की प्रशंसा में, राजा के लिए जो प्रशंसा की जाती है, जो शब्द यूज किए जाते हैं उसको प्रस्तुति के अंतर्गत लिखा जाता है। तो जूनागढ़ प्रस्तुति कहाँ पर है अगर आपका प्रश्न आ जाए तो आप सीधा उसका उत्तर लिखेंगे, बीकानेर के अंतर्गत जूनागढ़ प्रस्तुति, जिसमें राय सिंह के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। चलिएगा, तो ये अपनी कुछ मोटी मोटी बातें थी। चलिएगा अगले बिंदु की ओर हम बढ़ते हैं सीधा बिना समय गवाए। तो ये जो प्रस्तुति लिखने वाला कौन था, जूनागढ़ प्रस्तुति किसने लिखी थी? अगर आपका इस तरीके से अगर प्रश्न बनता है कि जूनागढ़ प्रस्तुति किसके द्वारा लिखी गई थी, तो आप सीधा उसका उत्तर लिखेंगे, जैन मुनि जयिता के द्वारा। जैन मुनि जयिता के द्वारा जूनागढ़ प्रस्तुति लिखी गई थी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये प्रश्न कई बार आरपीएससी द्वारा आयोजित परीक्षा में आता है कि जूनागढ़ प्रस्तुति किसके द्वारा रचित थी, जैन मुनि जयिता के द्वारा रचित थी। तो ये ध्यान रखना है, राय सिंह स्वयं विद्वान था, उनके दरबार में एक प्रमुख रूप से विद्वान विराजते थे जिसका नाम है श्रीपति, जिसने ज्योतिष रत्नमाला ग्रंथ की रचना की थी। देखो दरबार में विद्वान की अगर बात करें तो उनके दरबारी कवि कौन थे, दरबारी कवि। राय सिंह के समय जो दरबारी प्रमुख कवि थे श्रीपति, क्या नाम था? श्रीपति, ये ध्यान रखना। उन्होंने ग्रंथ एक लिखा था जिसका नाम था ज्योतिष रत्नमाला, ध्यान रखना, ज्योतिष रत्नमाला ग्रंथ की रचना किसने की? ज्योतिष रत्नमाला नामक ग्रंथ की रचना किसने की थी? श्रीपति के द्वारा की गई थी। ये किसके दरबार में विराजते थे? ये राय सिंह के दरबार में विराजते थे। किसके दरबार में? राय सिंह के दरबार में विराजते थे। एक ग्रंथ ऐसा है जिसमें राय सिंह को राजेंद्र के नाम से नवाजा गया, वो जयसेन नामक ग्रंथ में उसको राजेंद्र के नाम से नवाजा गया था, क्योंकि राय सिंह को राजेंद्र की उपाधि से भी नवाजा गया था। एक समय ऐसा आया कि राय सिंह हमें छोड़कर चले गए, तो उस समय जो राय सिंह की मृत्यु की बात करें तो उनकी निधन कब हुआ था, तो राय सिंह 1612 ईस्वी को, एक स्थान है दक्षिण भारत के अंतर्गत, मैं यहाँ पर नाम लिखूंगा, दक्षिण भारत के अंदर एक स्थान है जिसका नाम है बुरहानपुर, क्या नाम है? बुरहानपुर। इसी बुरहानपुर के अंतर्गत उसकी मौत हो गई और ये बुरहानपुर मध्य प्रदेश में है, कहाँ पर है? मध्य प्रदेश के अंतर्गत
हैं, तो ये आपको अच्छी तरह से ध्यान रखना है। मध्य प्रदेश के अंदर 1612 ईस्वी के अंतर्गत बुरहानपुर में राय सिंह की मृत्यु हुई थी। ये प्रश्न कंपिटिशन एग्जाम में भी ये भी आता है। जैन मुनि जेता ने जूनागढ़ प्रस्तुति लिखी थी, ध्यान रखना। राय सिंह के दरबारी कवि कौन थे? श्रीपति, जिसने ज्योतिष रत्नमाला नामक ग्रंथ की रचना की थी। राय सिंह को जयसेन नामक ग्रंथ में राजेंद्र कहा गया है। उनकी मृत्यु 1612 ईस्वी को बुरहानपुर मध्य प्रदेश नामक स्थान पर दक्षिण भारत के अंतर्गत हुई थी। यहाँ रहते हुए उन्होंने बादशाह अकबर की खूब सेवा की, और उसका जो टाइम पीरियड था वो मैंने बता दिया है, 1574 से 1612 ईस्वी तक रहा। दो शासकों का शासनकाल देखा था, बादशाह अकबर और दूसरा था जहांगीर के शासनकाल में। इसके बाद अगर हम बात करें तो उसमें कई प्रकार से उन्होंने अभियान चलाया। पहला उसको जोधपुर का प्रशासक 1572 के अंदर नियुक्त किया गया था। इसके बाद उनको गुजरात अभियान के लिए भेजा गया था, तब टाइम पीरियड था 1573। और गुजरात अभियान के बाद में अगर उसकी बात करें तो उसका जो टाइम पीरियड, उन्होंने सीधा 1573 ईस्वी की अगर हम बात करें तो 1573 में उनको सिवाना के अटैक के लिए भेजा गया था। फिर इसके बाद में 1574 में, जो 1575 की अगर हम बात करें तो उसको सिरोही के शासक देवड़ा सुल्तान के विरुद्ध, 1581 में वो काबुल के विरुद्ध भेजा, और 1594 में कंधार अभियान के लिए उनको भेजा था। उनके दरबार में अगर बात करें तो उस समय उनके उन्होंने ग्रंथ लिखा था जिसका राय सिंह महोत्सव और बाल बोधिनी नामक ग्रंथ उसका बहुत प्रसिद्ध ग्रंथ हुआ करता था। चलिएगा, और उन्होंने खूब सेवा की, और बादशाह अकबर के समय में उनको 4000 की मनसबदारी दी गई थी और जहांगीर के समय में 5000 की मनसबदारी दी गई थी। अगले वीडियो में हम बहुत इंपॉर्टेंट प्रकरण लेकर आएंगे जिसमें आपको मैं बताया जाएगा कि इसमें बादशाह जो राय सिंह के शासनकाल में राय सिंह कौन कौन सी उपलब्धियां ग्रहण करता है, कौन कौन सी ऊंचाइयों पर जाता है, इसके बारे में अध्ययन करेंगे। अगले वीडियो का आप इंतजार करिएगा। धन्यवाद।